वाओ यार, इनके पास कितने मस्त मस्त खिलौने हैं। काश मेरे पास भी होते, मजा ही आ जाता। सिद्धि और रिंकी को भी बताता हूँ कि मैंने कितने मस्त खिलौने देखे। हेलो सिद्धि भाई, मैंने ना एक से नंबर एक खिलौने देखे, बिल्कुल मस्त मस्त। हाँ पता है, अब मैं मम्मी से पैसे मांगूंगा और नए खिलौने लेके आऊंगा, ठीक है? तुम लोग भी अपने घर से पैसे ले लो थोड़े थोड़े, और फिर मिला के अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे और फिर खेलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे घर के बाहर मिलते हैं। ओके, अब फटाफट से जाके मम्मी से पैसे मांग लेता हूँ, फिर खिलौने लाऊंगा, मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने होंगे। मम्मी मम्मी, फटाफट से मेरे को पैसे दे दो। किस लिए? खिलौने लाने हैं। ये देखो, एक ये वाला लाऊंगा, एक ये और एक ये। अब फटाफट से लाओ, 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए? ये ले, मिल गए? ये वाले नहीं मम्मी, असली के 1000 रुपए दे दो, खिलौने लाऊंगा। कोई खिलौने विलौने नहीं, और वैसे भी जाना तो सब कुछ कबाड़ में है। हाँ सब कुछ कबाड़ में जाना, तो क्या पता वो तो एक दिन आप भी चले जाओ। पैसे दे दो मम्मी, 1000 रुपए। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, निकल। नहीं दोगे पैसे? नहीं। देख लो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। देख वो रहा गेट, निकल चल। आपको ना मेरी कदर ही नहीं है, एक दिन मर जाऊंगा ना, फिर मेरी कदर करोगे? अबे भाई यार, मम्मी ने तो ना साफ साफ मना कर दिया, कह रही 1 रुपया नहीं दूंगी, चमन्नी देने से भी मना कर दिया, कह रही खिलौनों पे पैसे वेस्ट होते हैं, खिलौनों के लिए एक पैसा नहीं दे रही मम्मी, आधे 1 घंटे तक मार के आओ। तो अब करे क्या भाई, कर क्या सकते हैं, अब ना तेरे पास खिलौने, ना इसके पास और ना मेरे पास, अब हमारा टाइम पास कैसे होगा बिना खिलौनों के। अरे खिलौने नहीं है तो टॉय शॉप पे चलते हैं ना। टॉय शॉप पे चलते हैं? टॉय शॉप पे जाने का फायदा क्या है जब पैसे ही नहीं है जेब में, कौन घुसने देगा अंदर? अरे घुसने तो फ्री में देते हैं, बस टॉय नहीं खरीद सकते। हाँ तो खरीद तो नहीं पाएंगे ना, फिर फायदा क्या जाने का। अबे ये क्या रही है ना कि टॉय शॉप पे जाएंगे, अंकल को बोलेंगे खिलौने दिखा, उसे खेलते खेलते 1-2 घंटे टाइम पास कर लेंगे, बस अपना एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ओ अच्छा, अब समझा मैं तेरी बात, आइडिया अच्छा, वैसे घुटनों से आइडिया आ ही गया निकल के। सही है भाई, 1-2 घंटे खेल लेंगे, खेलने के कौन ही पैसे लेगा, फ्री में खेल के आएंगे, है ना? सही है, रोज ऐसा किया करेंगे। तो चलो ना टॉय शॉप पे, वेट किस चीज का है। चलो चलो चलो। अरे अंकल, आप यहाँ खिलौने बेच रहे हो क्या? नहीं, जलेबी बेचता हूँ। जलेबी खाओगे? हाँ मुझे खानी है। अबे खिलौनों की दुकान है तो खिलौने ही बेचूंगा ना। हाँ तो क्यों मजाक कर रहे हो अंकल, हमें ना बहुत सारे खिलौने लेने हैं, तो फटाफट से हमें खिलौने दिखा दो। अरे ये लगे हुए देख लो। अंकल वो वाला दिखाना, तरबूज वाला खिलौना। ये तू भी मांग लेना। हाँ मांग रहा हूँ अंकल, मैं वाली गाड़ी ले लूँ? हाँ देख ले अंकल, मैं भी देख लूँ गाड़ी। हाँ देख ले देख ले। ये वाली? ये तो पक्का लेंगे। ओए देख कितनी मस्त गाड़ी है, रेस वाली। अबे भाई ये देख तो कितना बड़ा ट्रक है। तो क्या होगा, मेरे से थोड़ी जीत जाएगा। अरे चल ना नीचे बैठ के खेलते हैं आराम से। चल चल भाई, लग तो मस्त रहा है, खोल के देखते हैं ना, डब्बा खोलते हैं। अंकल डब्बा खोल ले। हाँ खोल लो। अंकल आपके पास और खिलौने नहीं है? बहुत कुछ है, ये देखो। वो दिखाना, वो पर्पल वाला, क्या है क्या? वो इरेजर है ये। दे दो। डॉल बॉल नहीं है क्या आपके पास? है क्यों नहीं, बोले वो रखी ऊपर, ये इधर रही। वो चाहिए डोरेमोन। वो स्टूल रहा, स्टूल पे चढ़ के लेंगे। तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं रेस में देख कैसे हराता हूँ। मस्त है।
ओ भाई ये भी वो वाला है, पीछे करके आगे भागती है रे। बच्चा कुछ पसंद आया क्या? नहीं अंकल अभी तक नहीं आया, कर रहे हैं पसंद, रुको। हाँ। दो घंटे हो गए तुम्हें पसंद करते हुए, अब तक तुमने पसंद नहीं किया? हाँ तो देख के चीज लेंगे ना, आपने खराब दे दी तो। हाँ टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं अभी। इतनी देर में तो मैंने लड़की पसंद कर ली थी शादी के लिए, तुमसे खिलौने पसंद नहीं हो रहे। अब ऐसा है, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। अंकल अगर आप इतनी अकड़ में बात कर रहे हो ना तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेंगे अब। वो तो मुझे पता ही था तुम लोगों को कुछ नहीं लेना, मेरा टाइम वेस्ट करने आए हो तुम। अगर आपको पता था तो दिखाया क्यों, दिखाते ही नहीं ना, हम तो यहाँ खेलने आई थी। बेटा इतनी अकड़, तो सुनीता का लड़का है ना? हाँ हूँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? मेरे को सब पता है बेटा, इन हरकतों के बारे में ना तेरी मम्मी को बताऊंगा जाके। भाई ये अंकल तो मेरी मम्मी को जानते हैं। अंकल आपको हमारे मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं, कौन हो तुम? बच गए, तू तो गया बेटे, हम तो जा रहे हैं। ओए अंकल देखो मम्मी को मत बताना कि मैं यहाँ खेलने आया था, ठीक है? सॉरी अंकल। अब मैं तो बताऊंगा बेटे तुम्हारी मम्मी को। वो अंकल क्या है ना, मम्मी पैसे नहीं दे रही थी इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आके खेल लेता हूँ, बस यही बात थी अंकल। सॉरी अंकल आज के बाद नहीं आऊंगा, प्लीज मम्मी को मत बताना। बेटा मैं तो बताऊंगा, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? गया यार रास्ता, दिमाग खराब कर रखा है कान में आके। इंतहा हो गई इंतजार की, मेरे से पहले ही मेरे घर पहुंच गए अंकल। आप तो पड़ोस वाली आंटी से भी ज्यादा चुगलखोर निकले, बता दिया सब कुछ मम्मी को। मम्मी अब आपका क्या फैसला है? वही फैसला है जो हर बार होता है बेटा, नहीं बदलेगा ना। हाँ तो फिर आ जाओ, कर दो कार्यक्रम चालू। अरे बस 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 बस, इतना ही खेला था मेरे खिलौने के साथ है? अरे बेटा थोड़ा तू मेरे खिलौने के साथ खेल लिया, थोड़ा मैं तेरे साथ खेल लिया, हिसाब बराबर। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। बंदला ले गए अंकल। अरे मम्मी क्या है, अब तो इतना मार लिया, अब तो थोड़े बहुत पैसे दे दो। ये ले 20 रुपए। मम्मी इससे ज्यादा तो भिखारी को भीख मिल जाती है, 20 रुपए बस। तू भिखारी से भी गया गुजरा, नहीं तो ये भी दे। ठीक है बस 20 रुपए दिए और वो भी इतना मार के। उस मम्मी भाई गुड्डू तेरे को पता है वो चिद्दी और रिंकी बहुत घटिया है, कल पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया भाई? मेरे को बेवाल तुम्हें बिठवा दिया, पहले खुद खिलौनों की दुकान पे ले गए और फिर वहाँ उसके खिलौने चढ़े, फिर जब उसको गुस्सा आया ना वो भाग गए और मेरे को पिटवा दिया। क्या उन्होंने तेरे को पिटवाया? मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था कि उनके साथ मत रहा कर, पर तू मानता तो नहीं है। आज के बाद मैं उनके साथ रहूंगा ही नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा भाई। ओए सुमित क्या हालत रे, ओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ये मेरा दोस्त है। अबे क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया भाई, तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो क्या हो गया, तुम्हें पता तो है तुमने कल क्या किया था। हमने क्या किया है? वाह देखो 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 कैसे शरीफ बन रहे हैं, कल खुद ही प्लान बना के मेरे को वहाँ ले गए, फिर दुकान पे खुद खिलौने छेड़े और फिर खुद ही भाग गए, मेरे को पिटवा दिया। कौन करता भला ऐसा? हाँ कौन सा दोस्त करता है ऐसी हरकतें? अबे भाई पीटेगा नहीं कोई, दूसरे की शॉप पे जाके दूसरे का खिलौने छेड़ेगा तो पागल कहीं का। वाह अबे वो भी तुम्हारा ही प्लान था, तुम पिटने चाहिए थे। अबे पागल हमने तेरे को ऐसे ही नहीं पिटवाया, उसमें भी हमारा मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान? इसमें क्या मास्टर प्लान है? देख हमारी इंडियंस जो मॉम होती है ना, वो मारने के बाद पैसे देती चुप कराने के लिए, तुझे भी जरूर पैसे मिले होंगे, मिले है ना? पता कितने मिले? हाँ मिले है ना।
20 रुपए मिले हैं। 20 रुपए में बताओ कौन सा चांद खरीद के ले आऊंगा मैं, कौन से खिलौने आ जाएंगे 20 रुपए में। इतना पीटा और 20 रुपए दिए मम्मी ने। बड़ी कंजूस मम्मी है इसकी। अबे 20 रुपए क्या बोल रहे हो, 20 रुपए 20 रुपए पता है कितने होते हैं? तू क्यों कैसे रिएक्ट कर रहा है जैसे 20 रुपए नहीं कुबेर का खजाना मिल गया हो। अबे कुबेर के खजाने से कम भी नहीं है 20 रुपए। वैसे सही कह रहा है, जितनी 20 रुपए होते तो होते हैं। तू पागल पागल हो गया क्या, 20 रुपए ही तो है, इसमें क्या खरीद लेंगे, कौन से खिलौने आ जाएंगे? 20 रुपए में ना बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे, चला मैं तुझे खिलौने दिलाता। चल ना ना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ फिर से पिटवा दोगे। चला मैं तेरे को दिला के लाता। चल ना ना, रहने दे। दुकान तो मस्त है, उससे तो बड़ी है। अबे मैंने बोला था ना, एक नंबर की दुकान है। बहुत बोल, क्या चाहिए तेरे को? हाँ भाई क्या चाहिए? अंकल आपके पास वो ट्रेन है, वो ऐसे शूं शूं करके चलती है पटरी पे? नहीं है। अरे वो चुक चुक करके चलती है वो होगी? अरे नहीं है, वो भी नहीं है। अरे अंकल आपकी इतनी बड़ी दुकान है, उसमें चुक चुक करने वाली ट्रेन नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है, देख कर आओ एक बार, होगी जरूर। अरे बोला ना नहीं है। अरे पैसे डबल ले लेना, एक बार देख के तो आओ। डबल पैसे दोगे? चेक करो अंकल, अंदर तक चेक करके आना, बिल्कुल अंदर तक। क्या पता कहाँ छुपा रखी हो, गोडाउन में भी देख लेना। हाँ पता थोड़ी ना चलता है। अंकल गया उधर पीछे की साइड, जल्दी से उठा लो जो उठाऊं। अच्छा ठीक है, फंस तो नहीं जाएंगे भाई? नहीं भाई, अरे मैं हूं ना भाई, 20 रुपए बहुत सारा सामान दिला रहा हूं। मैं क्या उठाऊं, ये उठा लेता हूं। मोटा तो नहीं हो गया मैं? कहा था ना मैंने नहीं है। नहीं है, नहीं है। कैसी दुकान कर रखी है अंकल, इससे अच्छा तो बंद कर दो। एक काम करो, एक सेलो का पेन दे दो। पेन? बेटा तू तो बहुत पतला था, इतना मोटा कैसे हो गया? अरे अंकल इसके सिर के ऊपर पंखा चल रहा है ना, तो इसने हवा खाली तो फूल गया। हाँ हवा खाली। ये लो अंकल 20 रुपए। चलो रे, चलो चलो चलो। 10 रुपए तो ले जा अपने। 10 रुपए? नहीं नहीं आप रख लो, वैसे भी आपकी दुकान की हवा खाई है मैंने, उसके काट लेना। चलो चलो। कितने बेवकूफ बच्चे हैं, हवा के भी पैसे दे गए, हवा तो फ्री होती है। ओए जल्दी निकालो ना, क्या क्या लाए हो? ये देखो मैं तो वीडियो गेम लेकर आई हूँ, और गुड्डा भी थार। ये देख थार दिखो ना भाई, मस्त लेके आ भाई तू तो। व्हाइट कलर की वो भी। ओ तू दिखाना क्या लाया भाई? बुलबुले। शेट यार, ये तो बच्चा वाली चीजें ले आया, बबल्स। तुम तो कुछ भी नहीं लाए, छोटी छोटी चीजें लाए हो, असली चीज तुम्हारा भाई लेके आया है। तू क्या लेके आया है? ये देखो डॉक्टर के। बारिश ने तो बड़ी चीज पे हाथ मार लिया। ओए चलो ना अब खेलते हैं। टिंकू की तबीयत खराब लग रही है, बार बार गिर जा रहा चलते हुए। सही में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, एक सेकंड मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल कर। हेलो डॉक्टर जी, टिंकू की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, हम आ जाए आपके पास लेके। ठीक है जल्दी से गाड़ी निकाल। गाड़ी बैठो बेटा। चलो टिंकू चलो। ऑटो 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 सिग्नल क्लियर। पी 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 पी। हाँ जल्दी लेके आओ, जल्दी 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 से टिंकू को यहाँ लेटाओ। गाड़ी पार्क कर। काफी सीरियस कंडीशन लग रही है। सीरियस कंडीशन में ये बबल क्यों फुला रहा है? तेरा कोई काम नहीं है इस गेम में। अरे डॉक्टर साहब जल्दी करो, टिंकू की सांस लेना रुक जाए। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी करता हूँ मैं। जल्दी चेक करो। सही है ना?
हाँ हाँ ये ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस दूध ज्यादा पी लिया उस वजह से गैस बन गई होगी। देखा मैंने तुझसे पहले ही बोला था इसको ज्यादा दूध नहीं पिलाना, तू ही पिलाता है मिलाई भर भर के। अरे चिंता मत करो, आप इसको उल्टा लेटाओ इंजेक्शन देते हैं। अबे तुम्हें दर्द क्यों आ रहा है, मैंने तो इसकी इंजेक्शन दिया है। फीलिंग्स फीलिंग्स है ना। चुप हो जाओ चुप हो। अच्छा वैसे मैं इसको दूसरा इंजेक्शन भी दे देता हूँ, उससे पहले थोड़ा काटना पड़ेगा। तुम क्या? पेट काट के? वो क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा नहीं काटना नहीं। चलो छोड़ दो फिर, उससे पहले इसे थोड़े से इसका दिमाग ठीक कर देता हूँ। पर क्यों? अरे आप पे गया ना, इसमें दिमाग की कमी है, ठिकाने पे नहीं है। हाँ अब फिर भी ठीक है, एक मिनट दांत चेक कर लेता हूँ, पूरी बॉडी टेस्ट कर लेता हूँ ना अभी। दांत ठीक है, चॉकलेट कम खाता है लगता है, चॉकलेट खिला करो इसको, दांत खराब होंगे अगली बार फिर हमारे पास आएगा पैसे बनेंगे ना। डॉक्टर साहब सीजर का क्या काम है? अरे बाल काटूंगा, पार्ट टाइम नाई का भी काम करता हूँ मैं। ओ डबल बिजनेस। नहीं नहीं लंबे बालों में ही अच्छा लगता है, वो रहने दो। ठीक है ठीक है, अरे लेटाओ ना इसको, दूसरा इंजेक्शन का टाइम हो गया, उससे पहले फीवर चेक कर लेता हूँ। फीवर Oh my God! इसको तो फीवर है, वो भी 102। ये देखो, इंजेक्शन देना पड़ेगा जल्दी से, उल्टा लेटाओ इसको। सुमित? हाँ मम्मी। इतने खिलौने कहाँ से आए तेरे पास? अरे मम्मी वो खरीद के लाया हूँ मैं। खरीद के लाया? पर मैंने तो तुझे 20 रुपए दिए थे, तू 20 रुपए में और इतने सारे खिलौने कैसे लेके आया? 20 रुपए क्या करूं भाई। अरे वो मम्मी वहां ना लकी ड्रा चल रहा था पता है, तीर निशाने पे लगाना था, अगर निशाने पे तीर लग जाता है ना तो खिलौने फ्री दे रहे थे, और मैंने आपके बेटे ने अर्जुन की तरह यूं निशाना साधा और निशाने पे लगा दिया, और मेरे को इतने सारे खिलौने फ्री में मिल गए फिर तीर मारने से। ठीक है लेकिन तूने क्या फैला रखा है सारे में है? पूरे दिन खिलौनों के साथ लगा रहता है, पढ़ना लिखना तुझे कुछ है नहीं। इसी दिन ना बता रही हूँ ये सब कुछ कबाड़े में बेच दूंगी, और इसके साथ साथ तुझे भी बेच दूंगी कबाड़े वाले को, नालायक कहीं का पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, आवारा। अरे मम्मी तो ऐसे ही भोगती रहेगी, खेलने पे ध्यान दो। टिंकू के लेट आओ ना। अब तो ठीक ही लग रहा है। नहीं लेट आओ, जल्दी आओ ना जल्दी जल्दी चलो। अबे भाई जा कहाँ रहे, ये तो बता इतनी जल्दी लेके जा रहा है। तेरे नाना के यहाँ जा रहे हैं पापा। इसके नाना के यहाँ क्यों जा रहे हैं भाई, मैं तो अपने नाना के यहाँ जाऊंगी। शेट्टी यार तुम्हारा ना दिमाग खराब है भाई, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ मेले में, मेला लगा है यहाँ, उसमें मस्त मस्त खिलौने हैं, देख के पागल हो जाओगे तुम लोग, अब तो एक्साइटेड हो ना। हां जल्दी चलो। कुछ पागलपन है तो ये बुद्धू सामान है, करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, खुश में रहना है क्यों रहने से होगा क्या, कल्पन है सौ बातें करता ये बुद्धू सामान है। A few years later. मम्मी हाँ, मेरे इतने सारे खिलौने रखे थे वहाँ, वो कहाँ गए? वो तो मैंने बेच दिए कबाड़े वाले को। क्या कबाड़ी वाले को दे दिए? पर क्यों? तो तू अब बच्चा थोड़ी रहा है, उनसे खेलेगा क्या? कुछ काम के तो थे नहीं, बेच दिए मैंने। अरे पागल हो गए क्या मम्मी, कहाँ है वो, कितनी देर पहले दिए? अभी बेचे हैं मैंने, 5 मिनट हुई हैं, यही मिल जाएगा तुझे वो कबाड़े वाला।
हे भगवान, ये लड़का भी ना बड़ा हो गया पर इसका बचपना नहीं गया। हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब। हेलो। अरे आप कबाड़ी वाले हो ना? हाँ। आप पीछे अभी एक घर से कबाड़ लेके आए हो ना? नहीं, मर्सिडीज लेके आया हूँ। अरे यार बताओ ना, कुछ खिलौने लेके आए होगे? हाँ लेके आया हूँ। हाँ तो वापिस दो। ओ वापिस दे दो, पैसे दे रखे हैं समझा? कितने दे रखे हैं? 300, वो भी करारे नोट। चलो तो 400 पकड़ो आप। ये ले समेत कट्टे के ले जा, अपनी तो भोगी पौनी। सपनों का वो आंगन कहाँ, बचपन कहाँ, सपनों का वो सीधा सरल था जीवन जहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, होती नाती अनबन जहाँ, बचपन कहाँ।